मूवी के स्टार्ट में हमें एक कहानी बताई जाती है कि कई साल पहले एक एलियन के ग्रुप को एक बहुत ही पावरफुल लॉकेट मिल गई थी, जिसकी मदद से वो किसी का भी दिमाग कंट्रोल कर सकता था। और उसी पावर के दम पे उन्होंने गैलेक्सी के सारे प्लेनेट पे अपना कब्जा करना शुरू कर दिया था और वहाँ के सारे लोगों को अपना गुलाम बनाने लगे थे। पर जब वो ह्यूमन के प्लेनेट पे आए तो उन्होंने वहाँ एक अलग प्रजाति का क्रिएचर को देखा, जिन्हें कॉन्डोर नाम से जाना जाता था। उन कॉन्डोर्स पे उस लॉकेट का पावर काम नहीं करता था और इसी का फायदा उठाते हुए एक कॉन्डोर ने उनसे वो लॉकेट छीन लिया। उन एलियन को वहां से जाना पड़ा इस डर से कि कहीं वो एलियन दोबारा उस लॉकेट को ना ले ले, इसलिए उसने उस लॉकेट को एक खुफिया जगह पे छुपा दिया। सारे यूनिवर्स के प्लेनेट उस एलियन से अब छुटकारा पा चुके थे, पर जैसे जैसे पीढ़ी आगे बढ़ती गई, कॉन्डोर के वंशज उन एलियन और उनके लॉकेट को भूल गए। पर वो एलियंस इस बात को नहीं भूले, वो एक दिन जरूर अपना वो लॉकेट लेने वापस आएंगे और फिर से पूरे यूनिवर्स पे उनका राज होगा। अब हम प्रेजेंट में आते हैं और एक टियो नाम के कॉन्डोर को देखते हैं जो अपना फुटबॉल मैच खेल रहा था। वो उस शहर में सबका फेवरेट था क्योंकि वो फुटबॉल का सबसे अच्छा प्लेयर था। उसके छोटे भाई का नाम चिकी था और वो एक याइता नाम की लड़की से प्यार भी करता था, पर उसकी मॉम को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं था। गेम खत्म होने के बाद टियो वहाँ की रिपोर्टर्स लड़कियों से फ्लर्ट कर रहा था, तभी याइता आती है और उसे गुस्से में एक इलेक्ट्रिक शॉक देती है। वो उसे कहती है कि क्या तुम्हें याद भी है कि आज उसकी मॉम का बर्थडे है। टियो झूठ बोल देता है कि हाँ उसे बिल्कुल याद है और वो सही टाइम पे उसके घर जरूर आ जाएगा। टियो का सबसे बड़ा कोई दुश्मन था तो वो था पेपे, जो कि खानदानी रईस था, इसलिए याइता की मॉम को वो काफ़ी पसंद था। पेपे याइता की मॉम ट्रेमी को हमेशा इम्प्रेस करते रहता था ताकि वो उससे खुश होकर याइता की शादी उससे करवा दे, और आज ट्रेमी का बर्थडे था तो पेपे इतना सुनहरा मौका कैसे छोड़ सकता था। याइता भी टियो को जलाने के लिए पेपे की चमचमाती कार में उसके साथ बैठकर चली जाती है। शाम को टियो अपने दोस्तों के साथ बार में बैठा था। वो सबको बता रहा था कि उसे जल्दी से कुछ करना होगा, नहीं तो याइता को वो पेपे ले जाएगा। वो डिसाइड करता है कि वो आज ही याइता को शादी के लिए प्रपोज कर देगा। ये सब बातें पास के ही दुकान में स्पा करा रही याइता की मॉम ट्रेमी सुन लेती है और वो भागते हुए टियो के पास आती है और उसे धमकाती है कि खबरदार अगर उसने उसकी बेटी को कभी प्रपोज किया, क्योंकि वो ऐसे ही किसी से भी शादी नहीं कर लेगी जिसके पास कोई ढंग का काम भी ना हो। वो उससे उसका रिंग भी ले लेती है और कहती है कि जब तक वो जिंदा है वो उसकी शादी अपनी बेटी से कभी नहीं होने देगी। रात में उदास होकर टियो अपने घर आता है। चिकी उसे अपने हाथों से बनाया हुआ पिज्जा खिलाता है और उसका मूड ठीक करता है। तभी टियो के फोन में किसी अननोन नंबर से एक कॉल आता है। वो ये किसी स्कैम वाले का कॉल समझता है, पर ये कॉल एक एलियन का था। वो उनसे कह रहा था कि अगर वो उन्हें वो मैजिकल लॉकेट दिला देते हैं तो इसके बदले में वो जो चाहे उससे मांग सकते हैं। वो दोनों अब भी इसे एक मजाक ही समझ रहे थे और टियो मजाक में कह देता कि अगर वो याइता की मॉम ट्रेमी को अपने प्लेनेट पे लेकर चले जाते हैं तो वो उन्हें वो लॉकेट जरूर ला देगा। एलियन डील ओके करके कॉल काट देता है। याइता अपने डैड के साथ ट्रेमी का बर्थडे मना रही थी, तभी टियो उन्हें विश करने उनके घर पहुंचता है। तभी उनका घर हिलने लगता है और उसके घर के ऊपर का हिस्सा पूरा टूट जाता है। वहाँ एक एलियन शिप आता है और वो ट्रेमी को उठाकर वहाँ से ले जाते हैं। तभी उस एलियन का एक मैसेज टियो को आता है कि उसने उसकी डील के मुताबिक ट्रेमी को उन्होंने उठा लिया है, अब उसकी बारी है कि वो उसे लॉकेट लाके दे, और अगर 24 घंटे के अंदर उसने उसे वो लॉकेट नहीं दिया तो ट्रेमी कभी भी वापस नहीं आने वाली है। याइता टियो से अब काफी नाराज थी क्योंकि उसी की वजह से उसकी मॉम को वो एलियन उठाकर ले गए थे। वो टियो का अब शकल भी देखना नहीं चाहती थी। टियो परेशान था कि अब वो क्या करे। तभी चिकी के पास उस एलियन का एक मैसेज आता है, उसमें उस लॉकेट वाले जगह का नक्शा था जो कि बहुत डरावना दिख रहा था। टियो देखता है पेपे इस मौके का फायदा उठाने आ चुका है। टियो चिकी से बैग पैक कर लेने को कहता है। वो अब किसी भी हालत में उस लॉकेट को लाकर रहेंगे और वो दोनों एक फ्लाइट लेकर अपने एडवेंचरस सफर पर निकल जाते हैं। पर बीच रास्ते में ही चिकी टियो से कहता है कि उन लोगों ने गलत फ्लाइट ले ली है। टियो अब उस प्लेन से कूदने का डिसाइड करता है क्योंकि उसे वो जगह नीचे दिखाई दे रही थी जहाँ उन्हें जाना था। वो दोनों कुछ बलून के सहारे उस प्लेन से कूद जाते हैं। आगे हम उस एलियन को देखते हैं जिसने ट्रेमी को पकड़ कर रखा था। वो एलियन को ट्रेमी काफी अच्छी लग रही थी, पर ट्रेमी उसे उठाकर पटकने लगती है। किसी तरह वहाँ के गार्ड्स उस एलियन को वहाँ से बाहर निकालते हैं। चिकी और टियो एक जंगल में पेड़ से लटके हुए थे, वो अपने आप को छुड़ाकर वहाँ से आगे बढ़ते हैं। वो एलियन ट्रेमी को रात के डिनर पे आने के लिए पूछता है। ट्रेमी भी मान जाती है क्योंकि बहुत दिन बाद किसी ने उससे डिनर के लिए पूछा था। वो अच्छी तरह से तैयार होकर डिनर में पहुंचती है। वो उस एलियन को बताती है कि किसी ने कभी भी उसके मोटापे की वजह से उससे प्यार नहीं किया। वो एलियन कहता है कि कोई कैसे इतनी खूबसूरत लेडी के साथ ऐसा कर सकता है। ट्रेमी वाकई में उस एलियन के साथ कुछ स्पेशल फील कर रही थी। टियो और चिकी को वो लॉकेट वाली जगह मिल चुकी थी। वो दोनों उस पिरामिड के अंदर जाते हैं। अंदर बहुत सारे कंकाल पड़े थे, पर वो आगे बढ़ते रहते हैं। तभी उन्हें एक कॉन्डोर कंकाल दिखाई देता है। वो एक छोटी ट्रॉली में बैठकर भागने लगते हैं। वो कंकाल उनका पीछा करने लगता है और वो भागते भागते उस ट्रॉली से निकलकर दूर जाकर गिरते हैं। पर वहां और भी कंकाल थे, वो उन्हें घेर लेते हैं।
चिकी को वहाँ ऊपर वो लॉकेट दिखाई देता है। वो दोनों जल्दी से लॉकेट की तरफ बढ़ते हैं और टियो वो लॉकेट उठाकर पहन लेता है और उस लॉकेट की मदद से उन सारे कंकाल को कंट्रोल करके उनके साथ थोड़ी मस्ती करने लगता है। तब तक चिकी वहाँ के दीवार पे बने ड्राइंग्स को देखने लगता है। वो उन ड्राइंग्स को देखकर समझ जाता है कि उन एलियन को ये लॉकेट क्यों चाहिए। वो टियो को बताता है कि अगर हम ये लॉकेट उस एलियन को दे देंगे तो वो पूरे यूनिवर्स को अपने कब्जे में ले लेगा। पर टियो को उसकी बातों पे विश्वास नहीं होता और वो उस एलियन को कॉल करके बुला लेता है और उसे वो लॉकेट दे देता है और उसके बदले में ट्रेमी को वापस करने को कहता है। पर वो एलियन उसे धोखा दे देता है और ट्रेमी को वापस करने से मना कर देता है। तभी कुछ लोग आकर टियो और चिकी को किडनैप करके वहाँ से ले जाते हैं। उन दोनों को एक सीक्रेट जगह पे ले जाया जाता है। वहाँ के ऑफिसर उन्हें बताती है कि वो इंटरनेशनल स्पेस इन्वेडर डिफेंस प्रोग्राम के हेडक्वार्टर में हैं। कई सालों से उनकी टीम अर्थ को सीक्रेटली एलियन के अटैक से बचाते आ रहे हैं। वो उसे बताती है कि उनकी टीम बहुत से खतरनाक एलियन से लड़े, पर उनमें सबसे खतरनाक है मोलस्कोसियंस नाम का एलियन। ये वही एलियन था जिसे टियो ने वो लॉकेट दिया था। उस ऑफिसर को जब ये बात पता चलती है तो वो टियो पे काफी गुस्सा करती है कि उसकी वजह से पूरी दुनिया आज खतरे में है। तभी उनका साइंटिस्ट बताता है कि एलियन उन पर बहुत जल्द हमला करने आ रहे हैं। वो ऑफिसर उन्हें बताती है कि उनके पास अब एक ही रास्ता है उन एलियन से बचने का। उनके साइंटिस्ट ने एक वायरस बनाया है, इसे किसी तरह ले जाकर उन एलियन के सिप में लगाना होगा जिससे उनका सिप ओवरहीट होकर ब्लास्ट हो जाएगा। पर उनके सामने एक और प्रॉब्लम है कि अगर कोई भी इंसान उस एलियन के करीब जाएगा तो उसका वो लॉकेट उसे पहले ही अलर्ट कर देता है। तब टियो सामने आता है और कहता है कि वो ये काम कर सकता है क्योंकि वो लॉकेट का पावर एक कॉन्डोर पे काम नहीं करती। वो सब टियो को ऊपर भेजने की तैयारी करने लगते हैं। वो ऑफिसर उसे बताती है कि ये पूरा सिप ऑटो पायलट है, उसे सिर्फ वहाँ जाना है और काम होने के बाद सिर्फ बिंगो बोलना है, ये सिप उसे वापस लेकर आ जाएगी। टियो को लेकर उसका रॉकेट निकल जाता है पर वो बहुत वाइब्रेट हो रही थी। टियो डर के मारे कंप्यूटर से ये सब स्टॉप करने को कहता है पर उसके ऐसा कहते ही ऑटो पायलट स्टॉप हो जाती है और उस रॉकेट का इंजन बंद हो जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। तभी वो देखता है कि उसकी बगल वाली सीट पे चिकी बैठा हुआ है। वो उसे वहाँ के बड़े से लाल बटन दबाने को कहता है जिसके दबाते ही इंजन फिर से शुरू हो जाती है। टियो चिकी से कहता है कि तुम यहाँ क्यों आए। चिकी कहता है कि वो उसे अकेले ये काम करने नहीं दे सकता था और वो दोनों अब उस एलियन शिप के नजदीक आ चुके थे। वो उस शिप में पाइपलाइन के थ्रू इंटर करते हैं। टियो वायरस वाली चिप ले जाकर वहाँ के कोर में इंस्टॉल कर देता है। टियो अब ट्रेमी को ढूंढने के लिए जाता है। चिकी उसे आगे के रास्ते में गाइड करता है पर वहाँ पहुंचकर टियो देखता है कि वो एलियन ट्रेमी को मसाज दे रहा है। तभी वो एलियन उसे देख लेता है और वहाँ के गार्ड्स को टियो को अरेस्ट करने को कहता है। टियो ट्रेमी को समझाने की कोशिश करता है कि उसकी बेटी और उसका पति वहाँ इंतजार कर रहे हैं। वो एलियन टियो को पकड़कर एक कमरे में बंद कर देते हैं। टियो के पास अब कोई रास्ता नहीं था। वो उस वायरस को एक्टिवेट कर देता है और चिकी से कहता है कि वहाँ से बाहर निकल जाए। उसने वायरस को एक्टिवेट कर दिया है और कुछ देर में ही ये सिप ब्लास्ट हो जाएगी। पर चिकी कहता है कि वो उसे बिना लिए नहीं जाएगा और वो उसे बचाने के लिए आने लगता है। तब टियो बिंगो बोलता है और चिकी को लेकर वो सिप वापस जाने लगता है। टियो देखता है ट्रेमी उसे बचाने आई है। वो उसे कहती है कि वो वापस अपने घर जाना चाहती है। वो दोनों वहाँ के एस्केप पोड में बैठकर भागने लगते हैं पर वो एलियन उन पर हमला कर देते हैं और उनका वो पॉड डिस्ट्रॉय कर देते हैं। टियो ट्रेमी को भी अपने सूट में ही ले लेता है और अब दोनों एक ही सूट में थे। तभी वो देखते हैं कि चिकी उस शिप को वापस ले आया है। वो दोनों उसके अंदर जाने लगते हैं। तभी वो एलियन अपने मशीन से उनके शिप को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब तीनों बिना कोई शिप के वहाँ फ्लोट कर रहे थे। ट्रेमी जाकर उस एलियन को एक जोर का पंच देती है और चिकी उसके मशीन को खोल देता है और वो उसके अंदर घुसकर उसका लॉकेट छीन लेता है। अब तक एलियन का सिप ब्लास्ट हो चुका था। वो सारे उस एलियन के ही उस छोटे से मशीन में आ जाते हैं और धरती की तरफ बढ़ने लगते हैं और वो एक क्रैश लैंडिंग करते हैं जिसमें पेपे की कार भी बर्बाद हो जाती है। सारे लोग सही सलामत वापस से धरती पर आ गए थे। याइता अपने मॉम से मिलकर काफी खुश थी। वो साइंटिस्ट उस एलियन को रिसर्च करने के लिए अपने साथ लेकर चला जाता है। ट्रेमी टियो को उसका रिंग देती है और याइता को प्रपोज करने को कहती है। टियो जाकर याइता को प्रपोज करता है। वो भी उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। टियो उस लॉकेट की मदद से पेपे के पैसे से एक अनाथालय खुलवाता है और उसे अच्छे तरीके से सबक सिखाता है। तभी टियो को वो कंकाल वहाँ फिर से दिखाई देता है। वो उससे वो लॉकेट वापस लेने आया था। टियो उसे वो लॉकेट वापस कर देता है ताकि वो सही सलामत रह सके और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस दैट बेल आइकन।